हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज तुषार सिसोदिया फ्रॉम बायोलॉजी विद तुषार सर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, कि सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, इट मींस कि एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस बन के आता है। कहाँ से बन के आता है, किसी और एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बनता है। जो सब्सटेंस बन के आता है उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जिनसे बन के आया है उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे मैंने बोला कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया, जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे कौन बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो कहाँ से बना, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया है, ये जो न्यू सब्सटेंस बन के आया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो यही होती है एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जैसे आयरन, आयरन मतलब जो लोहा होता है, अगर वो बहुत टाइम तक अगर रखा रहे तो उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, उस पर क्या है, टाइम के साथ उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जब आयरन ऑक्साइड बनती है तो ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन है तो केमिकल रिएक्शन ही। एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल आयरन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन आजकल हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाना जो हमारा पचता है, जो हम खाना खाते हैं तो उस पर जिसका जो डाइजेशन होता है वो भी कई सारे एंजाइम्स के थ्रू होता है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम खाने से जो एनर्जी लेते हैं, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन केमिकल रिएक्शन। हमारे घर में एक कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो बनता है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस देखते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। लेकिन कैसे पता लगेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन नहीं है। देखो, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है, जैसे तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जितने भी वो होते हैं एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं या जितने भी कोई भी बॉडी है, तो उसको मास की वजह से, अपने अपने मास होने की वजह से एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे। ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स भी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं। तो जब किसी चेंज के दौरान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या हो जाए, या तो इंक्रीजमेंट हो जाए या डिक्रीजमेंट हो जाए, वो होता है फिजिकल चेंज। जब एटम्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में या तो इंक्रीजमेंट हो जाए या डिक्रीजमेंट हो जाए जिस चेंज के दौरान, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आपके पास कोई बर्फ़ है और उस बर्फ़ को मैं हीट दूँ, गर्म करूँ, गर्म करने पर क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो पहले बहुत पास पास होंगे, और जैसे मैं उनको हीट दूंगा तो वो थोड़ी उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इट मीन्स वो काइनेटिक एनर्जी लेंगे और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो दूर दूर होते जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में। अब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, तो ये फिजिकल रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर फिजिकल क्या लगता है, जैसे जिसके अंदर
फिजिकल रिएक्शन अलग चीज़ है और केमिकल रिएक्शन अलग है, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर हो या फिर शेयरिंग हो, वो होती है केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो मिल तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे होंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे होंगे या शेयरिंग कर रहे होंगे। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या शेयरिंग होती है, तो ऐसे पहचान सकते हैं कि फिजिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन कैसे अलग है। नेक्स्ट है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो आपस में जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास थे, दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रिएक्ट करे उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो बन के आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो नया सब्सटेंस बन के आया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये दोनों क्या है इस जगह पे, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ हो रही है, जैसे चाहे मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूँ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करूँ, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, तो उनको उनके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय C एंड ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड बाय O2 एंड इट गिव्स CO2। तो उनकी जो केमिकल रिएक्शन है उनको उनके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। जैसे सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें, क्या बनाया, CO2। तो ये दोनों क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो बन के आया वो प्रोडक्ट। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, हमने उसको आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीडेशन हुआ O2 की प्रेजेंस में और क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड। दिस इज केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन।